हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंगल में क्लास नाइन्थ वालों के लिए एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4। वो है एक्सरसाइज 1B का दास गुप्ता एंड बैनर्जी मैथ्स बुक से आइसोसेलस ट्रेंगल को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए, आपने बेसिक अच्छे से समझ गया होगा और हमने बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। बहुत सारा 1, 2, 3 में बहुत सारे फिगर्स वाले क्वेश्चन थे तो हमने सॉल्व किया है। आज हम लोग विदाउट फिगर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि हम इजी वे में लैंग्वेज से किस तरह से फिगर ड्रॉ करेंगे। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। बहुत ही अच्छा फैसिलिटी आपको रास एजुकेशन पे मिलता है, तो इसीलिए बच्चों आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और आपको क्या मूड नहीं बन पा रहा है, आप देख रहे हैं कि चलिए मूड देखते हैं। जैसे ही ज्यादा कुछ स्मार्ट बनने का प्रयास करते हैं मेरा मूड गायब हो जाता है। देखते हैं, आज सेविंग करके नहा धो के नहाए धोए जैसा लग रहे हैं। को ही समझिए और कोई उपाय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पाएंगे है ना। चलिए, कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रेंगल। एन आइसोसेलस ट्रेंगल, आप ध्यान देंगे बच्चों, एन मतलब क्या होता है, एक ही आपको आइसोसेलस ट्रेंगल बनाना है, कोई दिक्कत है? तो लैंग्वेज देखना है, लैंग्वेज स्पेशलिस्ट आपको बना देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नेमिंग नहीं था तो हमने ABC को हायर किया है। एन कहने का मतलब क्या हो गया कि एक बनाना है, अदरवाइज आपको बोलेगा ट्रायंगल्स, एस लगा हुआ होगा तो आप सोचेंगे कि मोर देन वन है, समझा है ना। तो चलिए, तो ये हो गया ट्रायंगल। अब क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कहां से, फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स से। तो बच्चों बेस पे इस तरह से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है। टू द बेस कहने का मतलब बेस पे, अब फ्रॉम द वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स से, तो इसका नेमिंग हमने डी कर दिया। बोले कोई दिक्कत है लैंग्वेज में, नहीं। कह रहा है कि प्रूफ यही करना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द बेस फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस। बाइसेक्ट द बेस मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये प्रूफ करना है, गिवन नहीं है बच्चों। क्या करना है, प्रूफ करना है। गिवन क्या है, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है तो जिसमें टू साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इधर टू हमने लिया है इसलिए इधर वन ले लिए, कोई दिक्कत है? तो ये है, तो ये आप देखिए, कोई कंफ्यूजन इसीलिए नहीं होना चाहिए कि आइसोसेलस ट्रायंगल होगा तो उसमें टू साइड्स इक्वल होंगे। हमने इक्वल साइड कर लिया, इक्वल साइड को छोड़ने के बाद ही जो थर्ड साइड होता है वही तो बेस होता है। इसीलिए आप बेतुका बात, अनरियलिस्टिक बात नहीं करेंगे कि सर अगर इधर हो जाता इधर हो जाता, समझेंगे बच्चों। आइसोसेलस ट्रायंगल को हमने अच्छे से समझाया आपको कि टू साइड अगर इक्वल है तो थर्ड साइड ही क्या होगा बच्चों, उसका बेस होगा, समझ रहे ना। बेस ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होगा, थर्ड साइड होगा। तो यहां हमने ऐसे भी जान पाया कि ये क्या है, इक्वल है तो ये बेस है, और बेस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है कहां से, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। बोलिए, अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मैं ये प्रयास करता हूं हमेशा कि आपको कंफ्यूजन रहे, बट कितना परसेंट, 0.0000%, समझा ना। बहुत अच्छा लगा होगा आपको डायलॉग, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत कुछ मैथ में करने वाला हूँ। अभी मैथ्स की लैंग्वेज में आपसे हमने बातें कहाँ की है, कभी करूँगा किसी कमेंट सेशन में आपसे मैं टॉकिंग करूँगा इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। सारी बातें होगी लेकिन सारी बातें मैथ से ही रिलेटेड होगी, यानी मैथ के भाषा में आपसे मैं बात करूंगा। जैसे हमने कल डेमो दिया था आपको, टेंथ वाले को दिया था। चलिए, अब मूड बन गया है, अब बनेगा क्वेश्चन। लिखिए, लेट, आप लिखते चलिए, लेट ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल वेयर AB इक्वल टू AC, वेयर AB इक्वल टू AC इक्वल कर दिए, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC
बस टू प्रूव क्या प्रूव करना है, बी डी इक्वल टू सी डी, दैट इज इसी का दूसरा नाम क्या हुआ, क्या हुआ यही कह रहा है ए डी, दैट इज ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, यही हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तो आपको यही प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। देखिए बच्चों, आपको हमने कहा है आपको क्या प्रूफ करना है, इक्वल, और इक्वल प्रूफ कब होता है, देखिए ये इक्वल प्रूफ करना है, यहां से ये वाला इक्वल टू ये वाला, तो बच्चों जब हमको इक्वल प्रूफ करना होता है तो हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। और देखिए इससे बनने वाला हमको बी डी दिखाना है, तो बी डी से बनने वाला ट्रेंगल और सी डी से बनने वाला ट्रेंगल को ही हम लोग हायर करेंगे। चलिए इन ट्रेंगल ए बी डी दिख रहा है एंड ट्रेंगल ए सी डी आपको दिख रहा होगा, चलिए इसमें कितनी बातें दिखाना होगा, तो थ्री बातें, और ये बातें हैं एस ए एस, एस एस एस, ए ए एस, आर एच एस, समझ रहे ना, आपको एलकेजी में पहुंचा दी। चलिए ये हो गया, तो ये एकदम इसको क्या कहते हैं ना, इसको कंठी, कंठी समझते हैं ना, कंठ से ऊपर लाना है यहाँ पे, समझना है ना, यहाँ पे इसको रखना है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए देखिए बच्चों, आपको तो पहला नंबर पे ये दिख रहा है कि दिस इक्वल टू दिस, मैंने उसको चार बार सुधारा लेकिन बड़े बेहुद्दे टाइप के हैं वो, ये हो गया, क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल, हो गया, क्या देखिए। अब आपको क्या बोलेंगे सर, दिस इक्वल टू दिस, तो लग जाएगा तबारा, तबारा समझते हैं ना, ये तो प्रूव करना, तो इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए बच्चों ये कॉमन साइड है दोनों का, बोलेंगे हाँ सर देख लिया, तो ए डी इक्वल टू ए डी, दिस इज कॉमन साइड्स, साइड्स नहीं साइड। बोलिए थर्ड बात, आपको दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख नहीं रहा है, देखिए आपको दिखना चाहिए ये 90 इधर वाला है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है, कि प्रूफ दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं, सिर्फ प्रूफ करना इक्वल, यानी परपेंडिकुलर कहा था क्वेश्चन में, तो क्या हो गया हमारा एंगल ए डी बी, ए डी बी इक्वल टू ए डी सी इक्वल टू ए डी सी, ये क्या हो गया, सिंस ए डी परपेंडिकुलर टू, देखिए कहां था ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो क्या हो गया, देखिए दो साइड है और एक ऐसा है, दिमाग नहीं लगाना है, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल प्रॉपर्टी क्रिटेरिया, सब भुला गए ना, सब भुला गया, तो क्या करेंगे यही जो, देखिए एंड को हटा के चिपका दो कॉन्ग्रुएंट का साइन, बोलिए हो गया। अब ये हो गया, तो आप तो हंस रहे होंगे कि सर क्या आप वही डायलॉग फिर से चिपकाएंगे, क्या चिपकाना था डायलॉग पता है आपको, लिखेंगे जब ऐसा हो तो आपको लिखना है बाय सी पी सी टी सी, दिस इक्वल टू दिस, दस दिस इज बस, मजा आया, बोलिए आप एक बार कमेंट जरूर कीजिए, मजा आ गया सर, मौजा ही मौजा, मिथ बनाओ मौजा ही मौजा, समझ रहे ना, ज्योमेट्री को उंगली पे नहीं नाखून पे नचा देंगे, अपने तो नाखून जो आप काट के फेंकते हैं वो ज्योमेट्री में कौन सा पोर्शन का काम करता है, आप समझ पा रहे हैं, आपने जो ये नाखून को ऐसे काट करके फेंक देते हैं वो क्या है ज्योमेट्री में, उसको हम क्या कह सकते हैं, नहीं नहीं पता है ना, क्या कह सकते हैं, जब आप नाखून को ऐसे काट के फेंक देंगे, लड़की वाला नाखून नहीं होना चाहिए, वो तो बहुत भयंकर होता है, इस तरह से वो काटेगी भी ना तो ऐसे नाखून बनता है, अब ये कोई चीज नहीं है, है ना, ये वाला हम लोग शरीफ लोग जो है उसका नाखून अगर आप काटेंगे तो क्या बनता है पता है बच्चों, ये बनता है आर्क ऑफ द सर्कल, क्या बनता है
आर्क ऑफ द सर्कल, इसे ही कहते हैं ज्योमेट्री के लैंग्वेज में बातें करना। मार के तुम्हारे नाखून का हम आर्क दिखा देंगे, कह देते हैं, समझा रहे ना? आप लोग मेरे नूनू बाबू बच्चे हैं, टेंथ वाले थोड़ा सीनियर हैं, तो मैं टेंथ वाले वीडियोस में थोड़ा हंसी मजाक ज़्यादा कर लेता हूँ। पहली बार मैं आपसे भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिल पे नहीं लेंगे, दिमाग पे लेके चलेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि प्रूफ दैट, 5 नंबर, प्रूफ दैट द बाइसेक्टर ऑफ द बेस। अब देखिए 4 नंबर का ये रिवर्स है, यानी अपोजिट क्वेश्चन है, बस कोई दिक्कत नहीं, हम काहे क्वेश्चन पढ़ूंगा। ये देखिए ए बी सी है ना, देखिए ये होगा डी। अभी देखिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, और ऐसा नहीं कि हमें याद है ना। ये देखिए प्रूफ दैट द बाइसेक्टर पहले किया, यानी ये बाइसेक्टर दिया हुआ है, समझेंगे। प्रूफ दैट द बाइसेक्टर ऑफ द बेस, यानी ये यहां कह दिया कि ये बाइसेक्टर है ऑफ द बेस। ओके, किसका बेस? ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल। तो आइसोसेलस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल होगा तब ना ये थर्ड साइड बेस होगा, बिल्कुल बेस होगा, समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं कहना है कि सर नीचे है इसलिए बेस है, बेवकूफ बच्चों, अगर आप ऐसा करेंगे और ये दोनों इक्वल होगा तो ये बेस हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसीलिए खोपड़ी उल्टा पुल्टा मत लगाना, नहीं तो कमेंट करके पूछ लेना बच्चा हमारा, ठीक है ना, मेरा दोस्त, मेरा सोना, मेरा बाबू, आज हम पागल हो गए, समझ में आ रहा है हमको। चलिए कंट्रोल कंट्रोल बेटा कंट्रोल। चलिए बाइसेक्टर ऑफ द बेस ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, वो जो हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉन किए हैं वो कहां से होना चाहिए? वर्टेक्स से होना चाहिए। और क्या कर रहा है? मीट द बेस एट राइट एंगल। आपको यहां प्रूफ क्या करना है कि वो जो बेस पे मीट करता है वह राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री है, यही हमको प्रूफ करना है। क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है, समझा ना। कारण आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा कि वर्टेक्स प्रूफ करना है या फिर बाइसेक्टर प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है। तो बच्चों फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रूफ दैट द बाइसेक्टर होना चाहिए ऑफ द बेस ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल जो ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स है, मीट द बेस करता है एट राइट एंगल, यानी प्रूफ क्या करना है कि वो राइट एंगल है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं, समझ रहे हैं। चलिए लेट ए बी सी एन आइसोसेलस ट्रायंगल वेयर ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, उसके नीचे लिखिए ए डी, ए डी इज द, इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ बेस बी सी। टू प्रूव, टू प्रूव क्या? टू प्रूव, ये 90 डिग्री प्रूव करना का मतलब AD इज परपेंडिकुलर टू BC प्रूव करना है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC प्रूव करना। देखिए बच्चों कैसे अपोजिट है, उसमें हमको ये प्रूव करना, तो मतलब ये हो गया ना, ये बेस का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों इक्वल है, इसके दैट इज लिख भी लीजिए BD इक्वल टू CD। देखिए बच्चों यहां BD इक्वल टू CD प्रूव करना था पिछले वाले में, अब यहां ये गिवन है और ये प्रूव करना, आप देख लीजिए एक बार, एकदम जस्ट अपोजिट है। चलिए फिर से वही होगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिखाना मतलब 90 डिग्री दिखाना, 90 डिग्री कब होगा? जब एंगल बराबर करेंगे फिर उसका हाफ करेंगे तो होगा, इसलिए यही लेंगे, समझ में आया ना। चलिए देखिए बच्चों पहला बात हो गया ए बी इक्वल टू ए सी, क्या हो गया बोलिए तो, साइड्स ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल आर इक्वल, कोई दिक्कत बोले, कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ए डी इक्वल टू ए डी, बोलेंगे वाह सर कॉमन, कॉमन साइड्स। फिर देखिए आपको दिख रहा है बी डी इक्वल टू सी डी, क्या हो गया गिवन, गिवन नहीं है बच्चों, क्या है ये वाला लिखिए, सिंस ए डी, ये वाला लिखिए यहां पे, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये वाला यहां लिखना है, समझ में आ रहा ना, लिख लीजिएगा। तो ये हो गया, तो आप देख रहे हैं कि यहां बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल, क्या हो गया यही वाला जो एंड हटा के कॉन्ग्रुएंसी चिपकाना है फेविक्विक से, फेविकॉल से नहीं चलेगा क्योंकि वो फिर गलत हो जाएगा आंसर। ये हो गया,
तो हो गया। तो आप कहेंगे कि सर अब तो हम जानते हैं कि भाई सीपीएससीटी लगवाइएगा, है ना, ये सीपीएससीटी आपको लगा देना है। तो बोलेंगे हाँ सर हम जानते हैं आपको बहुत सीपीएससीटी पसंद है। यस सर पसंद है बाबू बहुत। चलो लेकिन हमको यहाँ सीपीएससीटी लगा के क्या फायदा होगा? तो आप सीपीएससीटी लगा के ये दोनों एंगल को आप क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं बाय सीपीएससीटी सी। क्यों लगाए हम एंगल वाला दिमाग? क्योंकि हमको 90 डिग्री दिखाना है तो एंगल से ही मतलब है। तो बाय सीपीएससीटी सी क्या होगा, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, हो गया ना, ये हो गया। नाउ बी सी इज ए लाइन, दिख रहा है क्या, क्या है बच्चों बी सी इज ए लाइन। तो बाय जब भी लाइन रहे तो लीनियर पेयर लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, लीनियर पेयर। आप लीनियर पेयर जानते हैं क्या? बोले हाँ सर जानते हैं। ये देखिए जब ऐसे होगा ना बाबू, एक लाइन पे इस तरह से एक लाइन ऐसे रहे, तो ये देखिए यहां से यहां तक में 75 ठो कितना 1 2 3 कुछ भी रहे, सबका सम इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। वन बने दो तीन कुछ ही बने, तो यहाँ कैठो बना है बच्चों एक लाइन पे वन बना है, तो यहां से यहां तक का सम कितना होगा? बोलेंगे कि सर तब तो 180 डिग्री होगा ही होगा, आप तो जानिए रहे हैं। तो चलिए होगा चलिए। तो क्या हो गया, देखिए उस पर बनने वाला टाइम, देखिए ए डी बी क्या होगा, पहला ए ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, दो ही है इक्वल टू। देखिए बच्चों आप देख रहे हैं कि ए डी बी इक्वल टू क्या है, ए डी सी है, तो ए डी सी लिख देंगे इसके बदले, ठीक है ना, प्लस ए डी सी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो देखिए 2 एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, समझ रहे हैं, 90 डिग्री हो गया। देखिए 10 लिखिए नीचे, 10 ए डी इज द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ BC, hence proof. 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है इन ट्रेंगल ABC, ABC एक ट्रेंगल है, कुछ नहीं कहा है तो हम कहे कुछ दिमाग लगाएंगे और ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे भी नहीं, कम ही क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, बोलेंगे सर इक्वल में दो टू लाइन होता है, तो नहीं ट्रेंगल में कुछ भी हो सकता है, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन कुछ भी हो गया इक्वल टू AC। Prove that the bisector of BAC, bisector of BAC, देखिए बच्चों एंगल BAC का मतलब हुआ A का bisector, क्योंकि एंगल A का bisector, तो एंगल A का bisector ऐसे ही होता है और ये दोनों क्या होता है इक्वल होता है, समझा ना, ये दोनों इक्वल होता है, इस बार ये दिया हुआ है, समझेंगे। शुरू में जो रहता है ना बच्चों वो गिवन वाला होता है और लास्ट में जो होता है वो प्रूव करना होता है, समझा है ना, क्योंकि जैसे उधर राइट एंगल था 5 नंबर में वो प्रूव करना था। तो यह हो गया कि प्रूव दैट द बायसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ द बेस, यानी यहां कह रहा है कि परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ द बेस, एक लाइन था, यानी आपको प्रूफ क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर भी है और बायसेक्टर भी है, यानी 90 डिग्री भी दिखाना पड़ेगा और इक्वल भी दिखाना पड़ेगा किसको। तो अभी आप देखेंगे ये डी है तो इसको 90 डिग्री और ये इक्वल भी दिखाना पड़ेगा, यही होता है बच्चों परपेंडिकुलर बायसेक्टर, समझा ना, परपेंडिकुलर बायसेक्टर मतलब 90 डिग्री भी और इक्वल भी, तो समझ में आ रहा है ना। लिखिए गिवन ए बी सी is a triangle where AB equal to AC, ठीक है, AD is the bisector of angle BAC, लिख पाए फिर से, नहीं वीडियो को बैक कीजिए फिर से देख लीजिए, that is उसके नीचे IE, that is क्या है बच्चों, देखिए ये bisector है इसका मतलब BAD angle BAD इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये हो गया। टू प्रूव क्या लिखेंगे, टू प्रूव क्या लिखेंगे, टू प्रूव, टू प्रूव मालदाम मालदाम, ठीक है ना, बिक रहा है। टू प्रूव परपेंडिकुलर बायसेक्टर है ना, तो ये वाला टू प्रूव ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड BD इक्वल टू CD,
ये दोनों प्रूफ करना है, बी डी इक्वल टू सी डी, ये भी क्या प्रूफ करना है। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ इक्वल है ना, इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपको कॉन्ग्रुएंसी ही दिखाना पड़ेगा, समझा, इक्वल से पता चल रहा है कि कॉन्ग्रुएंसी ही दिखाना पड़ेगा। तो बी डी सी डी से बनने वाला ट्रेंगल जस्ट वही लेना है, जस्ट इमेजिन ट्रेंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी डी, बोले कोई दिक्कत है? अगर आपको ज्योमेट्री हार्ड लग गया तो हम कह देते हैं जितने भागलपुर में मेरे बच्चे बच्चे हैं, समझा है ना, सबके घर पे जाके दूधा थाप लगा देंगे, हम कह देते हैं। डरिए मजाक नहीं कर रहे हैं, सबके घर पे हम आ रहे हैं, आप हमको अपना एड्रेस दीजिएगा, चाय बिस्कुट पानी उनी पीने आएंगे, है ना। चलिए तो क्या हो गया ये देखिए बच्चों, आपको ए डी सॉरी ए डी कहां से ए बी इक्वल टू ए सी क्या हो गया गिवन, ये तो गिवन है आपको, देखिए फिगर में दिख रहा होगा ए बी इक्वल टू ए सी, इस तरह से जब दिया हुआ हो तब हम लोग लिखते हैं गिवन, ठीक है ना। और देखिए बच्चों ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, बोलेंगे हाँ सर ठीक है कॉमन साइड लिख देंगे साइड। और देखिए बच्चों ये दोनों इक्वल भी क्या है गिवन है, लेकिन गिवन वर्ड नहीं लिखेंगे, ये दोनों देखिए इक्वल है ना, यही एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये क्या हो गया लिखेंगे सिंस, गिवन नहीं है इस तरह क्लियर थोड़े में लिखा है, सिंस ए डी इज बायसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ये लाइन दिया हुआ है बुक में, ठीक है ना, बुक में मतलब इसी लाइन को ही शो किया है। तो देखिए बच्चों दो साइड हो गया तो हम काहे खोपड़ियां लगाएंगे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल, समझना है ना, ये राइटिंग आप समझते हैं, ये इंटरनेशनल राइटिंग है। क्या हो गया बच्चों ट्रेंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ए सी डी, फिर आप खुश हो गए होंगे कि सर सी पी ए सी टी लगाएंगे, तो चलिए मैं सी पी सी टी लगाऊंगा लेकिन ऊपर में लगाऊंगा यहाँ पे बाय सी पी सी टी सी, फिर ये लोग बोलते हैं दिस इक्वल टू दिस, बोलिए कोई दिक्कत है? तो बच्चों यहाँ इक्वल प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया इक्वल प्रूफ हो गया, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, चलिए परपेंडिकुलर प्रूफ कर देंगे, नहीं ये नहीं हुआ ना, ये तो गिवन वाला है, ये लाइन नहीं था, सॉरी बच्चों ये लाइन नहीं था, मेरा होशियारी नहीं चला। देखिए ये जब बाय सीपीसीटी से होगा तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो इसका ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, और ये वाला क्या होगा इक्वल होगा, अभी हमने प्रूफ भी दूसरे क्वेश्चन में किया था, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये होगा। तो बच्चों अब देखेंगे बी सी इज, ये प्रूफ हो गया हमारा, एक प्रूफ हो गया, इसके बदले आप लैंग्वेज जो बुक में दिया हुआ है वो लिख सकते हैं दस, इससे पहले आप लिख लीजिए यहां, ये हो गया ना, तो ये भी क्वेश्चन था, लिखेंगे दस, क्या लिखेंगे पता है, दस दस ए डी बायसेप्स बायसेप्स साइड ना बेस ना बेस बीस, ये हुआ, अभी बायसेक्ट कर रहा है लेकिन वहां प्रूव करना है परपेंडिकुलर भी, तो लिखेंगे नाउ बी सी इज ए लाइन, तो लाइन जब रहे तो लीनियर पेयर लगाते हैं, लीनियर पेयर अभी हम बता दिए आपको, एंगल ए डी बी ये वाला प्लस ए डी सी, ए डी सी इक्वल टू 180, मेरा कपड़ा छोटा हो गया, कोई बच्चा हमको कपड़ा पहुंचा दो भाव, मेरा भाव कोई कपड़ा पहुंचा दो ना, मेरे पास ना हो ये पूछने वाला है। आज हम आपको बोल दिए हैं कि आज मेरा मूड दूसरे टाइप का है, क्यों पता है, हम बाद में बताएंगे आपको कि आज मेरा मूड इतना खुश क्यों है, मुंह नहीं मूड। देखिए ये हो गया, तो बच्चा देखिए ये दिस इक्वल टू दिस हुआ, तो दिस इक्वल टू दिस, तो बच्चों ए डी बी के बदले हम ए डी सी लिख देंगे, प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, देखिए दिस प्लस दिस टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, देखिए ये कैंसिल हो गया 90 डिग्री हो गया, तो एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री।
तो बच्चों फिर लिखेंगे हैंस, हैंस क्या लिखेंगे हैंस, अब बुक वाला लैंग्वेज। ए डी इज द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ द बेस बी सी। हाँ अब नहीं बोलेंगे, फिर से वीडियो देख बच्चा देख, अब तू देख बच्चा। आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहे, आप अगर आपको पता करना है कि हम आज इतने खुश क्यों हैं, क्या मैं पौवा चढ़ा के आई हैं, क्या मैं पौवा चढ़ा के आई, नहीं आया, नहीं कुछ नहीं आया, बताएंगे तब समझ लीजिए। सेवन नंबर If ABC and DBC are two isosceles triangle drawn on opposite side of same base BC, अब यहां तक पढ़ना पड़ेगा कि एक ही बेस है और उस पर दो isosceles triangle लटका हुआ है, एक ऐसे और एक ऐसे, सेम बेस पे isosceles triangle है। बच्चों ये इसके इक्वल रहा होगा क्योंकि ये तो बेस कह दिया है, ये इसके इक्वल रहा होगा, समझ ना, एक लाइन से समझना पड़ेगा, है ना। फिर से बोल दो, देखिए ए बी सी, अब बेस क्या है लिख दिया है, बेस बी सी है तो बी सी बेस हुआ, इस पे ए बी सी एंड एंड डी बी सी टू isosceles triangle ऑन द सेम बेस बी सी, ठीक है। एंड ए डी आर ज्वाइंट, ए डी को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, कर दिए ज्वाइन। प्रूफ दैट ए डी बाइसेक्ट ईच ऑफ एंगल बी ए सी एंड डी बी सी, बी ए सी को, बी ए सी को इसको बाइसेक्ट कर रहा है और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है, यानी ये दोनों इस, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इतनी बातें गिवन भी है और प्रूफ है, आप समझ पाएंगे। फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, गर्मी लगने लगा लेकिन 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लिखिए गिवन, गिवन ए बी सी एंड डी बी सी आर टू isosceles triangle विथ सेम बेस बी सी, इतना मत लिखिए। फिर देखिए करा कि ए डी आर ज्वाइंट, फिर नीचे लिखिए टू प्रूफ ए डी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी एंड बी डी सी। बच्चों आप बुक से देख के अच्छे से समझ के लिख सकते हैं, दैट इज टू प्रूफ, लिखने के बाद उसको क्लियर करते हैं, क्या करना है हम लोगों को प्रूफ, एंगल बी ए, देखिए बच्चों बी ए यहां कुछ भी सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर लो, ई कर लो क्योंकि डी तो ई, ओके तो बी ए इक्वल टू एंगल सी ए, समझा ना, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो ये दोनों ले लीजिए। फिर इधर एंड एंगल बी डी ई, बी डी ई इक्वल टू एंगल सी डी ई, क्या करना है, सी डी ई, चलिए ये हो गया, हाँ ठीक है। तो बच्चों आप देख पाएंगे कि ये जो एंगल प्रूफ करना है बी ए ई, उसी से बनने वाला ट्रायंगल लेंगे, तो इस एंगल से बनने वाला ट्रायंगल ये वाला और ये वाला, फिर कहेंगे कि सर इधर भी ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लेना होगा, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले ऊपर वाला ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल बी ए ई एंड ट्रायंगल ए मतलब सी ए, इसको क्या दिखाना पड़ेगा, तो बोलेंगे कि सर आप कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, क्योंकि जब भी इक्वल का बात हो जाए तो आप कॉन्ग्रुएंट को ही दिखाएंगे, ये देखिए इक्वल है कॉन्ग्रुएंट दिखाना, चलिए देखिए ए डी नहीं ए बी इक्वल टू ए सी, बोलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइड्स
ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल आई टी, सुना ना, पता हो गया। देखिए बच्चों ए इक्वल टू ए क्या हो गया, कॉमन साइड। अब आप देखेंगे बच्चों, आप जानते हैं कि आइसोसेलस ट्रायंगल में साइड्स का अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल। तो आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी है, बीच वाला भूल जाइए, इसका अपोजिट दिस, इसका अपोजिट दिस, क्या होगा, इक्वल होगा। तो बच्चों एंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी बोलिए, इक्वल टू एंगल ए सी बी बोलिए। क्यों लिखेंगे, साइड्स क्या लिखेंगे, सिंस साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल, नहीं उल्टा लिखा गया, एंगल ऑफ अपोजिट, लिखेंगे एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल ट्रायंगल आर इक्वल। समझ पा रहे हैं लैंग्वेज, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो बच्चों देखिए, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, अगर ये हमारा 75 डिग्री है, आप इसको बढ़ा के पाकिस्तान लेते जाइए या फिर घटा के आप अपने स्टेट में लेते आइए, इसको कोई मतलब नहीं है। देखिए बढ़ गया, ये घट गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बच्चों हमने कहा ए बी सी तक रहे या फिर ई तक ही छोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत हुआ, बोलेंगे नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ हुआ हुआ, ए बी और सी तक नहीं जाके हम कहां तक गए, ई तक। उसी तरह से ए सी और बी तक नहीं जाके कहां तक रह गए, इधर ई तक, बोलेंगे क्या, कोई दिक्कत है, यहां ओ आर और लिखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए 1 2 का 4 क्या हो गया, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल, क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, नहीं ए बी सी थोड़े है बच्चों, बी ए ई है, बी ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ए ई। देखिए अब ये इतना बात हो गया तो क्या होगा, प्रूफ जो करना है हमको, प्रूफ क्या करना है, ये एंगल इक्वल है, ये गिवन वाला है, टू प्रूफ कहां लिखे, यही तो टू प्रूफ है हमको, प्रूफ ठीक कोई बात नहीं। तो बच्चों ये दोनों हमने प्रूफ कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी सी दिस इक्वल टू दिस, ये वाला नहीं, ये तो दूसरा ट्रायंगल का दिस इक्वल टू दिस, ठीक है ना। सिमिलरली किससे लड़ली तुम, सिमी से लड़ली, सिमिलरली वी कैन प्रूव, वे कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं, नीचे वाला भी, क्योंकि सेम है, नीचे वाला भी, नीचे वाला की भी मतलब क्या, नीचे वाला क्या, ट्रायंगल बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ई, नहीं बी डी सी कहां, बी डी ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी, तो ये दोनों हुआ, तो अब इसको भी हम इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं, 100% यही लगेगा। तो आपके टीचर अगर स्कूल में बोलते हैं कि दोबारा बनाओ, तो आप इतना ही स्टेप इसका लिख लेंगे, अदरवाइज हम तो रिकमेंडेड करते हैं कि बच्चों सिमिलरली लिख लेंगे और इस तरह से डायरेक्ट लिख लेंगे, तो कोई भी दुख तकलीफ एग्जामिनर को नहीं होगा। लेकिन आपके स्कूल वाले टीचर का ना नस दुख सकता है, तो आप दोबारा बना दीजिएगा, तो एक बार पूछ लीजिएगा, है ना। जैसे ही ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे तो ऐसे शो करेंगे, बोलेंगे कि सर क्या हम यहाँ सिमिलरली करके विदाउट प्रूफ भी हम इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप फिर से बना देंगे इतना ही बात यूज करके, ठीक है। चलिए तो हो गया, तो ये हो गया सिमिलर, तो बाय फिर से सी पी सी टी सी, क्या हो गया, ये यहां जो मिटाए थे, यहां जो भी मिटाए थे उसी को यहां सटाएंगे और प्रूफ हो जाएगा, द हैंड्स, अंतिम लिखेंगे हैंड्स,
ए डी बाइसेक्ट द एंगल बी ए सी एंड डी बी सी, जो बुक में लिखा रहता है लास्ट में वही लाइन 10 में लिखना चाहिए, प्रूफ दैट है ना, वही 10 में लिखना चाहिए। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपने हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, आप उम्मीद का पार कीजिएगा। चलिए बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी ट्रायंगल बना लीजिए पहले, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना, एबीसी हो गया। इन ट्रायंगल एबीसी एबी इक्वल टू एसी, एबी इक्वल टू एसी हो गया, एबी इक्वल टू एसी। फिर कह रहा है बीडी एंड सीई आर परपेंडिकुलर ड्रॉन टू एसी एंड एबी रेस्पेक्टिवली। देखिए बी से डी रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होगा समझिएगा, बीडी जो है ना बच्चों वो परपेंडिकुलर ड्रॉन है किस पे, रेस्पेक्टिवली मतलब एसी पे, और तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन हो गया ऐसे, है ना। और सीई जो है ना परपेंडिकुलर ड्रॉन है एबी पे, CE जो है बच्चों वो परपेंडिकुलर ड्रॉन है AB पे, इसको बनाते हैं। AD AC पे है, इसका मतलब ये हो गया ये इक्वल है, AD जो है बच्चों वो AC पे है। ये 90 डिग्री नहीं भी लगे तो चलेगा, ये वाला साइन दे देंगे वहां जो दिए हैं तो हो जाएगा। CE इज परपेंडिकुलर टू AB, ये 90 डिग्री दे देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए BD यानी यहां D, CE यानी यहां ये, बोले कोई दिक्कत है, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आप ये जरूर कहेंगे कि सर आपके रहते कोई दिक्कत होगा क्या, तो आप बहुत हमको ना क्या कहते हैं मक्खन लगाते हैं, इसीलिए इतना गर्मी लगता है, आप देखते हैं क्यों इतना मक्खन लगाते हैं हमको। तो प्रूफ दैट बी डी इक्वल टू सी ई, टू प्रूफ दैट बी डी इक्वल टू सी ई, बी डी इक्वल टू सी ई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने से गुजर रहा है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ओके बच्चों, अब देखिए लिखेंगे गिवन ए बी सी, तो आप बोलेंगे सर हम लिख लिए, हाँ सही बात है, आप लिख भी सकते हैं अपने से, लिखेंगे ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी इक्वल टू ए सी, एंड अभी मिटा दिए जो लिखे थे, क्या लिखे थे, एंड नीचे लिखेंगे बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। देखे बेड लग, देखे कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ना, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे करके देखिए, अब देखिए यही मिट जा रहा है ना, कैसे होगा, तब तक लाइट आ जाएगी, आप देखेंगे बच्चों, फिगर आप देख लीजिए एक बार, कॉपी में बना लीजिए, क्या करेंगे ये क्वेश्चन फिर अधूरा रह जाएगा, मेरा मूड भी खराब हो गया। देखिए ये हो गया, कहाँ थे, आ रहा है लाइन, आ जाओ अंकल, 2 मिनट का काम है, आ जाओ, नहीं आएगा, बहुत इजी था, आ रहा है। देखिए दोस्तों तब तक कुछ गप्पे करते हैं, गप्पे क्या है ना, हाँ बता देते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन यही है, अब मूड खराब गया, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल इसको फिर से देखेंगे। आज क्या है ना बच्चों कि आज हम सेविंग किए थे इसीलिए इतना खुश थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नहीं आ गया, अरे वाह। कहाँ थे, चलिए बच्चों फिर से एक बार समझ लेते हैं। कह रहा है, मैं वीडियो एडिटिंग में एडजस्ट कर दूंगा, कह रहा है कि ए बी सी ये दिया हुआ था इतना, ठीक है फिर से मैं बोल देता हूं ना क्योंकि बाद में छूट जाएगा। ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ था, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ था, और बी डी परपेंडिकुलर था। अच्छा, ये गिवन है, ये गिवन है टू प्रूफ, ये गिवन हो गया
ये वाला जीवन में था, बी डी इज यही था, यही लाइट चला गया था। बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड रिकॉर्डिंग ऑन किए कि नहीं किए, किए। बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या लिखेंगे बच्चों, टू प्रूफ क्या लिखेंगे, बी डी इक्वल टू सी ई, ये प्रूफ करना है। बी डी इक्वल टू सी, टू प्रूफ क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू सी। तो बच्चों हमने आपको बार बार एक ही बात समझाया है ना, क्या समझाया पता है, जो प्रूफ करना हो उसी से ट्रायंगल लीजिए, जो प्रूफ करना है उसी से ट्रायंगल लेना है। तो चलिए मैं आपको अभी कुछ सिखाऊंगा, देखिए बी डी से बनने वाला ट्रायंगल। तो बच्चों मैं फिगर फिर से बना रहा हूं है ना, ये देखिए ए बी सी, ये मेन फिगर है हमारा, देखिए बी डी, तो बच्चों बी डी ये हुआ डी और ये परपेंडिकुलर है, और उतना मत सोचिए इतना है। अब देखिए मैं कहूंगा कि बी डी से बनने वाला ट्रायंगल लीजिए, तो आप ऊपर वाला भी ले सकते हैं, नीचे वाला भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप। लेकिन बच्चों देखिए डाटा जो दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है, देखिए दिस इक्वल टू दिस, यानी देखिए आपको गिवन में है ना बच्चों ए बी इक्वल टू ए सी। तो बच्चों ए बी देने का मतलब ये है, ये कि आपको ए बी इक्वल दिया हुआ है ए सी का, तो बच्चों आपको ये दिया हुआ है और ये देने का मतलब है कि आप ये ट्रायंगल लेके बनाइए तो बनेगा, सुना है ना। तो ट्रायंगल आप इधर वाला भी ले सकते थे, लेकिन आप इधर वाला लीजिए तो आपका बनेगा, समझा है ना, ठीक है, बिल्कुल समझ आ रहा है। कोई भी स्टूडेंट्स बोलेगा कि सर नीचे वाला लेके एक बार दिखाइए ना बनता है कि नहीं बनता है, बच्चों तो नीचे वाला भी लेके बन जाएगा, तो नीचे वाला भी लेके बन जाएगा यहां। तो चलिए मैं अभी ऊपर वाला लेके बनाता हूं, ए बी डी, समझा ना, ए बी डी ऊपर वाला, तो इधर भी बच्चों इधर वाला होगा, इसका मतलब सी ई से बनने वाला ट्रायंगल, सी ई से बनने वाला ट्रायंगल क्या होगा उधर, तो बच्चों हो जाएगा ए सी ई, ठीक है। आपको दिख रहा है ए बी इक्वल टू ए सी, देखिए यहां है ऐसे करते तो ये वाला इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, यहां एकदम डायरेक्ट गिवन था, ये गिवन हो गया। और बोलिए बच्चों देखिए दोनों का जो एंगल है ना, देखिए इस ट्रायंगल के लिए भी ये ए एंगल, इसके लिए भी ये ए एंगल, नहीं समझ आ रहा है, देखिए ये हुआ ए, तो यहाँ ए है पूरा, क्योंकि इस पे तो कुछ है नहीं, फिर इधर वाला से बनाएंगे ये वाला, तो यहाँ भी ए, तो ये दोनों क्या है बच्चों कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू ए क्या हो गया कॉमन एंगल, साइड नहीं एंगल। और क्या होगा बच्चों, और आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कहा था ये, कहा था कि परपेंडिकुलर है, ये देखिए ये 90 डिग्री है ना, देखिए इसमें ये जो है बच्चों ये वाला लिया है, तो ये 90 डिग्री है, इधर 90 तो इधर भी 90, फिर इधर वाला में ये क्या होगा 90 होगा, यानी हमारा हो जाएगा एंगल बी डी ए इक्वल टू एंगल सी सी ई ए इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, है ना। तो देखिए बच्चों क्या लग रहा है, ए ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई, हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी सी दिस इक्वल टू दिस प्रूफ्ड, बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब आप थोड़ा सा बोलेंगे ना, मन में हो रहा होगा कि सर एक बार आप नीचे वाला लेके दिखाइए तो होता है कैसे, तो बच्चों चलिए मैं नीचे वाला भी देख लेके आपको समझा देता हूं और बन जाएगा, देखिएगा। मेथड टू, टेंथ वाले को हमने बहुत मेथड बताया है, एक ही क्वेश्चन का 4-5 मेथड भी मैंने बताया है एक क्वेश्चन में, आप जब टेंथ में जाएंगे तो आपको मेरा वीडियो इतना पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा कि मैं उसका वर्णन अपने मुंह से क्या करूं, उस समय आप खुद कमेंट करेंगे और सीनियर्स के कमेंट्स भी आप उस वीडियोस का देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इतना जब कमेंट है तो अच्छा ही वीडियो होगा। तो चलिए देखिए बच्चों हमने कहा कि नीचे वाला ले सकते हैं, आपको प्रूफ करना है बी डी इक्वल टू सी, ये प्रूफ करना है, तो बी डी से बनने वाला ट्रायंगल नीचे वाला ले लेते हैं इस बार, यानी इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल सी ई से बनने वाला नीचे वाला ट्रायंगल हो जाएगा बी सी ई,
बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है। अब देखिए बच्चों यहाँ गड़बड़ क्या हो गया ना, देखिए ये ए था लेकिन ये नीचे वाला आप ले लिए तो ये जो दिया हुआ था इसका यूज नहीं हुआ, समझा ना, इसका यूज नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है, आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस एक बात दिख रहा है कि ये मेरा आइसोसेलस ट्रायंगल था, ये देखिए ये आइसोसेलस ट्रायंगल था, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। समझेंगे थोड़ा सा, नीचे वाला एक बार मैं फिगर बना लेता हूं आपको समझ में आएगा। ये हुआ नीचे वाला कॉन्ट्रो, ये हुआ हमारा डी सी बी, ये नीचे वाला हुआ डी सी बी। और समझेंगे इधर वाला, इधर वाला मैं और एक बार बना लेता हूं, थक गए, ये हो गया, अच्छा नहीं बना, ये हो गया सी ई बी। तो आप देखेंगे बच्चों ये जो हमारा आइसोसेलस ट्रायंगल था ए बी सी, अपोजिट साइड्स का एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब ये बी इक्वल टू सी होगा, तो बी इक्वल टू सी होगा। यहां पहला नंबर लिख लेंगे बी, तो बी के जगह पे उसका नेमिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे ई बी सी, क्या लिखेंगे ई बी सी इक्वल टू एंगल उधर से लीजिएगा तो हो जाएगा डी सी बी, डी सी बी। सिंस लिखेंगे, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी देन बाय आइसोसेलस प्रॉपर्टी, आइसोसेलस प्रॉपर्टी हो गया, पहला बात हो गया। अब दूसरा बात क्या हो गया, देखिए बच्चों बी सी इक्वल टू बी सी, देखिए यहां भी बी सी यहां भी बी सी, तो क्या हो गया कॉमन साइड हो गया, क्या हो गया कॉमन साइड हो गया। और क्या इक्वल हो सकता है, अब देखिए ये 90 डिग्री नहीं, प्रूफ नहीं करना, ये 90 डिग्री बच्चों देखिए 90 डिग्री जो ये दिख रहा है, यानी ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री गिवन है, यानी ई का नेमिंग कर लेंगे बी ई सी, क्या हो जाएगा बी ई सी इक्वल टू इसका हो जाएगा बी डी सी, बी डी सी इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो फिर देख रहे हैं आप ए ए एस से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, फिर आप उतना ही बात लिख लेंगे। तो बच्चों आपको कैसा लगा आज का क्लास, आज का क्लास बहुत को पसंद नहीं आया होगा, जो थोड़ा सा सीरियस रहना चाहते हैं उसको नहीं पसंद आया होगा, तो आज जो खुशी का बात था हमने मजाक में फिर से बोल दिया कि दूसरी बात